माय इलेक्ट्रिकल स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गीजर के बारे में। सभी प्रकार के गीजर यानी सभी कंपनियों के गीजर का प्रॉब्लम क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। जैसे कि एलिमेंट का ख़राब हो जाना, एलिमेंट ख़राब हो जाता तो कैसे चेक करेंगे और उसको कैसे चेंज करेंगे। थर्मोस्टेट का ख़राब हो जाना और उसको कैसे चेक करेंगे और फिर उसको कैसे चेंज करेंगे। वाशर से पानी लीकेज होना यानी कि पैकिंग से पानी लीकेज होना, ये सब मुद्दों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। नॉन निटल वाल्व से पानी ऊपर प्रेशर से न जाना, ये भी एक प्रॉब्लम ही है गीजर का। इंडिकेटर का नहीं जलना, गीजर में करंट आना, ये सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास अलग अलग कंपनियों के गीजर आते रहते हैं, हम रिपेयर करते रहते हैं। तो चलिए हम एक वीडियो आपको सोचे कि बना कर दिखाते हैं और किन किन बात को ध्यान रखना है गीजर को बनाते वक्त और गीजर को यूज करते वक्त भी किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीनस कंपनी का गीजर आया है हमारे पास रिपेयर होने का। अलग अलग कंपनियों का आते रहता है गीजर रिपेयर होने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके थ्रू हम सभी कंपनियों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो ये है गीजर को लटकाने के लिए। ये गीजर अभी फ़िलहाल उल्टा है, लटकाते हैं तो नीचे ये वाला हो जाता है पोर्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे गीजर का बारे में डिटेल दे रखा है, कितना वाट का है और कितना वोल्टेज लेता है, वीडियो को पूछ करके देख लीजिएगा। ये है थर्मोस्टेट का। तो इसको ऊपर से दे रखा है रेगुलेटर टाइप का, पानी को कितना हीट करना चाहते हैं, और नीचे उसके इंडिकेटर दे रखा है, देख सकते हैं आप। ये वाला दोनों स्क्रू खोलेंगे तो गीजर का ढक्कन खुल जाएगा। तो प्लास्टिक बॉडी का ये गीजर है वीनस कंपनी का। आपके पास स्टील बॉडी का यानी टीन की बॉडी का गीजर है तो उसको स्क्रू के माध्यम, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोल लीजिए स्क्रू को। कोई भी कंपनी हो, समस्या लगभग एक ही जैसा होता है, एक ही समान लगे होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इस ढक्कन को खोलते वक्त अपना ध्यान देंगे कि इसके साथ में कुछ जुड़ा तो नहीं है। तो इसके साथ में ये जो रेगुलेटर टाइप का थर्मोस्टेट दे रखा है, ये इसका नोब को हटाना पड़ेगा। इस नोब को हटाएंगे और ढक्कन को हटा लेंगे। तो देखिए, ये होता है गीजर के अंदर का पार्ट। टैंक को ओपन करने के लिए ये वाला 6 बोल्ट जो नट दे रखा है, इसको ओपन करेंगे। ये अर्थिंग जोड़ रखा है देखिए टैंक के साथ में, तभी तो हमारे करंट नहीं आएगा गीजर में। अर्थिंग को ज़रूर लगाना है। और यहाँ से फेज न्यूट्रल गया है फर्स्ट वाले कटआउट, यानी कि ये भी एक थर्मोस्टेट जैसे ही है फ्रेंड्स। और उसके बाद एक और थर्मोस्टेट है, ये देखिए, जो रेगुलेटर टाइप का है। तो आपके गीजर में कैसा वाला है आप ध्यान दीजिएगा, अगर वो ख़राब होगा तो चेंज कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको नॉर्मल सा एक बल्ब होल्डर लेना है और मतलब टेस्ट लैंप लेना है, उससे चेक कर लेना है कि वहाँ तक करंट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ये इनलेट है, आउटलेट है, आप जानते ही होंगे। थर्मोस्टेट को चलिए हम निकालते हैं। थर्मोस्टेट छोटा छोटा दे रखा है 2 ठो, तो इसको निकाल लेते हैं। ये वाला गीजर फ्रेंड्स सेपरेटर प्लेट और जो एलिमेंट है अलग अलग नहीं है, सेपरेटर प्लेट के साथ में ही एलिमेंट दे रखा है इसमें, देखिए। ये दोनों थर्मोस्टेट है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम टैंक को ओपन कर लिए हैं, आपको टैंक को ओपन करते वक्त नहीं दिखाए हैं। और ये देखिए, थर्मोस्टेट लगाने के लिए यहाँ लंबा वाला थर्मोस्टेट भी लगा सकते हैं, होल दे रखा है। और ये नया हम लाए हैं एलिमेंट, एलिमेंट कम सेपरेटर प्लेट कह सकते हैं क्योंकि दोनों इसी में दे रखा है। ये फ्लेंज के साथ में कस देंगे। और कुछ कुछ गीजर में एलिमेंट अलग से रहते हैं, त्रिभुज वाला, गोल वाला, अलग अलग रहते हैं। तो ये पुराना थर्मोस्टेट कम सेपरेटर प्लेट था और ये नया वाला, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। तो उसमें ज़्यादा होल है, मार्केट में मुझे यही मिला है। आप स्वयं से गीजर बना रहे होंगे तो आप इसको खोल के ले जाएंगे और उसी साइज के लेके आएंगे। तो एक बार अपना रिले टाइप वाला थर्मोस्टेट चेक करेंगे तो नॉर्मल इनपुट में फेज न्यूट्रल जा रहा है और आउटपुट में भी फेज न्यूट्रल निकल रहा है। तो नॉर्मल बल्ब होल्डर से चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल जो है डायरेक्ट चला गया है एलिमेंट में और फेज चला गया है नेक्स्ट वाले थर्मोस्टेट में जो रेगुलेटर टाइप का है। आपके पास भी होगा
लेकिन उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के घुमाने लायक होगा रेगुलेटर, तो उसमें भी फेज न्यूट्रल देखिए यहाँ पे आ गया, तो उसको भी चेक कर लीजिए वो भी सही है कि नहीं है, तो नॉर्मल बल्ब होल्डर से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसी फेज न्यूट्रल जो एलिमेंट में जा रहा है उसी इंडिकेटर जुड़ा होगा उसी के साथ में, तो इंडिकेटर नहीं चलने के कारण ताकि आपका सप्लाई नहीं जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी पैकिंग को देखेंगे, पैकिंग ठीक है कि नहीं है हमारा। तो पैकिंग एक था पहले, एक पैकिंग हम और लाए हैं मार्केट से, ठीक है। और ये है एलिमेंट का कवर जो अभी ख़रीद के लाए हैं, 950 रुपया दे रखा है इसमें, 2000 वाट का है और ये भी 220 वोल्ट पे चलता है। तो फ्रेंड्स घर में हमारे 220 वोल्ट सप्लाई रहता है, तो इसमें क्या हो गया था, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं ना फ्लेंज के साथ में नट बोल्ट, तो छोटा छोटा हो गया था दो पैकिंग लगाने से। तो हम क्या करेंगे, दूसरा बोल्ट लगाएंगे इसमें, हल्का हल्का हाथों से इसको ठोकेंगे ना तो बोल्ट फ्लेंच वाला जो है निकल जाता है आसानी से निकल जाए, कि ये छोटा वाला बोल्ट था, ये छोटा छोटा, इससे थोड़ा बड़ा बोल्ट लगा रहे हैं, थोड़ा सा हमें घिसना पड़ रहा है लगाने के लिए। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, इसका टॉप जो है माथा थोड़ा सा चौड़ा है तो इसलिए घिसना पड़ रहा है, ये जो छोटा वाला पहले बोल्ट था इसमें लगा था, अभी बड़ा बड़ा लगा रहे हैं वाशर और इसका नट अलग से लाए हैं। तो बोल्ट को फ्लेंज के साथ लगा लेंगे और पैकिंग को लगाएंगे। ठीक है, पैकिंग बढ़िया तरीके से लगाएं ताकि आपका पानी गीजर से लीकेज ना हो। देखिए यहाँ पे हम बोल्ट को लगा लिए हैं और गीजर के पैकिंग को लगाए रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैकिंग होगा आपके पास, इस गीजर में इस प्रकार का पैकिंग है, मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं पैकिंग अलग अलग प्रकार के। जो टीना की बॉडी वाली जो गीजर होती है, मतलब लोहे की बॉडी वाली, उसमें पैकिंग अलग होता है, उसमें सेपरेटर प्लेट लगा होता है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। एक बार चेक करेंगे लगा करके, थर्मोस्टेट कम सेपरेटर प्लेट साथ में है इसमें, आपको शुरू में बताए थे, तो इसको चेक करेंगे कि फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद हम इसको निकालेंगे और पानी लेके आएंगे। फ्रेंड्स ये है नॉन लिटल वाल्व, ठीक है, तो इसमें से प्रेशर अगर पानी में नहीं जा रहा हो तो इसको पुश करके देखेंगे, यहाँ पे एक वाइट सा दिख रहा है आपको, पुश करके देखेंगे, आराम से पुश रहा हो तो पानी जाना चाहिए, आपके टंकी में प्रेशर नहीं होगा, मतलब टैंक में आपके पानी नहीं भरा होगा जो वाटर टैंक है। इसमें देखिए आउटपुट वाला पाइप देखिए दिख रहा है आपको, ये सबसे लास्ट तक होता है, गीजर तो उल्टा लगता है ना फ्रेंड्स, ये जो अभी दिख रहा है आपको फ्लेंच, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ऊपर पानी होके गर्म होके तभी तो आएगा, तो सबसे लास्ट में रहता है, और इनलेट वाला स्टार्टिंग में ही पानी गिर जाता है। तो अभी हम गीजर में पानी डालेंगे और उसके बाद सेपरेटर प्लेट साथ में एलिमेंट भी है इसमें, तो दोनों को कसेंगे, कस के उल्टा करके देखेंगे ताकि पानी हमारा लीकेज तो नहीं हो रहा है, फिर नहीं तो कस्टमर के पास से हमें बात सुनने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको पानी को डाले हैं हम, पानी पूरा नहीं डाले हैं, एक बाल्टी पानी लगभग डाले हैं, ये 25 लीटर का गीजर है तो इसमें और 10 लीटर पानी जाएगा, 15 लीटर पानी हम डाले हैं चेक करने के लिए। और अर्थिंग को ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, अर्थिंग की वजह से ही आपके गीजर में करंट आता है। अर्थिंग जो है ना किसके साथ लगाना है आपको, जो सेपरेटर प्लेट है, यानी कि सेपरेटर प्लेट कम हीटिंग एलिमेंट इसमें साथ में दिया है, उसके साथ में हम अर्थिंग को अटैच करेंगे या बढ़िया तरीके से कस देंगे या ज्वाइंट कर देंगे लग लगा करके छोटा सा। इसके बाद आपको गीजर के फ्लेंज के साथ में जो नट बोल्ट दे रखा है एलिमेंट को, बढ़िया तरीके से मजबूती से अच्छा वाला रिंच ले लीजिए और उसको टाइट कर दीजिए। एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं गीजर का प्रॉब्लम क्या होता है और कैसे ठीक करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, गीजर के टॉप को चेक करेंगे, प्लग टॉप को, उसके बाद उसका वायर को चेक करेंगे। उस वायर के चेक करने के लिए सीधे बल्ब होल्डर उठाएंगे हम अपना एक टेस्ट लैंप और थर्मोस्टेट पे चेक करेंगे फेज न्यूट्रल हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। फिर हम एलिमेंट पे जो लगा होगा दो वायर फेज न्यूट्रल का, उसमें बल्ब होल्डर जोड़ के देखेंगे कि करंट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर आपका बल्ब जल रहा हो तो करंट पहुंच रहा हो तो हीटिंग एलिमेंट खराब है, जैसे कि इस गीजर में हीटिंग एलिमेंट खराब था। ठीक है, उसके बाद आपको अगर थर्मोस्टेट चेंज करना है
ख़राब है तो थर्मोस्टेट मार्केट में अवेलेबल है, खरीद सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि थर्मोस्टेट यही वाला लगेगा, दूसरा थर्मोस्टेट भी लगा सकते हैं। लंबा वाला थर्मोस्टेट के लिए भी होल दे रखा है। अगर अवेलेबल ना हो इस प्रकार का थर्मोस्टेट तो आप दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये रेगुलेटर टाइप का थर्मोस्टेट है और दूसरा वाला थर्मोस्टेट इसमें लगा है कटआउट टाइप का, जो फेज न्यूट्रल दोनों कंट्रोल करता है, रिले टाइप का। तो वो वाला नहीं है तो आप नॉर्मल भी कोई लगा सकते हैं कटआउट, या हटा भी सकते हैं उसको, डायरेक्ट लाइन दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम दोनों थर्मोस्टेट को लगाएंगे और ढक्कन को कस देंगे और जिसका गीजर था कस्टमर को दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप कितना कमा सकते हैं ये भी आपको आइडिया लग गया होगा, कितना पैसा कस्टमर से हम ले सकते हैं, ठीक है। नॉन न्यूट्रल वाल्व को चेक करें जरूर एक बार, छोटा वाला टेस्टर ले लें, दबा के देखें ताकि हल्का सा दब रहा होगा नॉन न्यूट्रल वाल्व, तो पानी प्रेशर भी नहीं होगा, कम भी प्रेशर होगा तो गीजर में चढ़ जाएगा आसानी से, ठीक है। नॉन न्यूट्रल वाल्व चेक करने के लिए हम बता चुके हैं। अब आपके मन में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे, और वीडियो के माध्यम से कहेंगे तो वीडियो भी बना के आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक बात करते हैं लास्ट वाला पॉइंट, गीजर को कैसे यूज करना है, ये खासतौर से कस्टमर के लिए है फ्रेंड्स। जब गीजर यूज करना है उसके एक आधी घंटा पहले, जैसा कि पानी आपका जैसा गीजर गर्म कर रहा होगा चालू कर दीजिए, और पानी गर्म करके यूज करके गीजर की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको बंद करके रखिए, तभी आपका बिजली का भी सेविंग है और गीजर भी आपका ठीक रहेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। कितने लोग क्या करते हैं, ऑन करके 24 घंटा छोड़ देते हैं तो बिजली भी आपका खाता है गीजर और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, गीजर को जब यूज करना है तभी चालू करके रखना है, ठीक है। ये वाला गीजर आप देख सकते हैं वीडियो में, ये लंबा वाला थर्मोस्टेट है, एक ही थर्मोस्टेट इसमें लगा है। इसमें देखिए थर्मोस्टेट का बगल में देखिए ये है एलिमेंट, तो एलिमेंट ये त्रिभुज आकार का है और तीन नट बोल्ट से कसा गया है एलिमेंट, देख सकते हैं। इसमें सेपरेटर प्लेट अलग है, इसका इनलेट आउटलेट पाइप भी अलग है, तो इसका कनेक्शन अभी हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास अलग अलग कंपनियों के गीजर आते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो आई थिंक आपको इस वीडियो में गीजर बनाने के आइडिया मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया वीडियो हम लाएंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसी संबंधित इस चैनल पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।